एक बार की बात है, गौतम बुद्ध क्योंकि वो भिक्षुक थे तो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ यात्रा कर रहे होते हैं, बहुत सारे शिष्य होते हैं उनके साथ, सबके साथ वो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे होते हैं। बीच रास्ते में एक बहुत सुंदर सा माहौल, बहुत सुंदर सा वातावरण, बहुत सारे पेड़, ठीक है, एंड सामने एक तालाब, ऐसा एक वातावरण मिलता है उनको और बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम कर लेते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा हम लोग जारी रखेंगे। तो वहां पे वो सारे रुक जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और गौतम बुद्ध को लगती है प्यास। तो जब गौतम बुद्ध को प्यास लगती है, वो अपने एक शिष्य को पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि सामने तालाब है, तालाब से आप पानी भर के ले आइए। तो शिष्य जो है गुरु का आदेश सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, वो तुरंत फटाफट भाग के जाते हैं और तालाब के पास जाते हैं और पानी लेने के लिए जैसे ही देखते हैं, जगह ढूंढते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि एक धोबी जो है वो कपड़ा धो रहा है और कपड़ा धोने की वजह से पानी का पूरा मिट्टी बाहर आ चुका है और बहुत गंदा पानी हो रखा है वहां पे। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहां से पानी लेता हूं तो बहुत ज्यादा गंदा रहेगा, लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो सोचता है कि चलो मैं किसी और जगह से ले लेता हूँ, दूसरी तरफ जाके ले लेता हूँ। दूसरी तरफ जैसे ही पहुंचते हैं, वहां से एक बैलों का झुंड आता है पूरा और पूरा पानी के अंदर होता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। पानी वहां पे भी बहुत गंदा हो गया। अब वो सोचता है कि पानी बिना लिए ही जाना पड़ेगा मुझे, वापस आता है, वापस आके गौतम बुद्ध के पास खड़ा होकर माफी मांगता है कि गुरुदेव माफ करना, मैं नहीं ला पाया क्योंकि पानी बहुत गंदा था, वहां पे मटमैला पानी था और लाता तो बुरा रहता बहुत। तो गौतम बुद्ध उस वक्त कुछ नहीं बोलते। आधे घंटे के बाद दोबारा उस शिष्य को बुलाते हैं और कहते हैं अब जाके पानी लेके आओ। वो कहता है गुरुजी बहुत गंदा पानी था वो। वो कहता है आप जाइए और लेके आइए। वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आप जाइए और लेके आइए। तो गुरु का आदेश पाके वो दोबारा जाते हैं। वहां पे देख के सच में वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। पानी पूरा स्वच्छ, पूरा साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो कहते हैं चलो, पानी उन्होंने भरा, पानी भर के वो वापस आए। बट उनके चेहरे को देख के गौतम बुद्ध समझ गए कि ये कुछ पूछना चाहते हैं, ये आश्चर्यचकित है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि बताइए आपने पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या किया। वो कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पानी अपने आप स्वच्छ था, कैसे हुआ गुरु जी ये। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब आप पहली बार गए थे यहाँ पे तो पानी क्रियाशील था, उसमें काम हो रहा था, जिसकी वजह से पानी का मिट्टी जो है वो ऊपर आ चुका था और पानी पूरा गंदा हो गया था। बट जब आधे घंटे बाद आप गए तो पानी का पूरा मिट्टी शांत हो चुका था और आपको स्वच्छ पानी ऊपर मिल गया। अब इस कहानी से आपको ये सीखने को मिल सकता है, कभी भी लाइफ के अंदर बहुत सारा प्रेशर होने की वजह से, कई बार ऐसा होता है ना, दिमाग हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, उस टाइम पे अगर हम अपने दिमाग पे और प्रेशर डालते हैं तो हमें कचरा ही बाहर मिलता है, गंदा पानी बाहर मिलता है हमें। तो जब कभी भी ऐसा होना कि दिमाग बिल्कुल चॉक्ड हो गया, उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए हमें छोड़ देना चाहिए चीजों को। जैसी चीजें चल रही है वैसी चीजें छोड़ दो, थोड़े टाइम बाद अपने आप आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे 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 नीचे बैठ जाएंगी और आपको सॉल्यूशंस, जो कि स्वच्छ पानी के तौर पे सॉल्यूशंस आपको अपने आप मिलने लग जाएंगे, राइट। ये बिजनेस में भी सेम इसी तरीके से अप्लाई होता है। कभी अगर ऐसा लाइफ में होना कि कुछ नहीं हो रहा, थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम को शांत कर दो, उस पर दिमाग लगाना छोड़ दो, जितना दिमाग लगाओगे उतना गंदा होता चला जाएगा। थोड़े टाइम के लिए शांत कर दो, अपने आप आपको असली सॉल्यूशन बाहर मिलेगा थोड़ा वेट करने पे। इसको बोलते हैं पेशेंस। और चाहे जिंदगी हो चाहे बिजनेस हो, पेशेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, राइट। सो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो हर उस इंसान के साथ शेयर करो जो इंस्पायर हो पाए, जिसको ये पता लग पाए कि पेशेंस प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।